हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, इसमें लगभग हमारे जो हैं टोटल 24 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें इन सभी का क्या करना है, इंटीग्रेशन, मतलब हमें इन सभी का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। ओके चलो, बाकी के हमारे फिर ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं। हाँ ठीक है, 23, 24 हमारे ऑप्शन क्वेश्चन। ओके ठीक है, ये तो बात की बात है। देखो, दो बातें ध्यान रखना। पहली बात क्या है कि आपको जो भी फॉर्मूले दिखेंगे, है ना, बेसिकली हमारा सारा का सारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको बहुत सारे अभी फॉर्मूले दिखने वाले हैं। तो उन सभी फॉर्मूलों को कोशिश करना आप एक जगह का लिख करके रख लो। ठीक है, लिख करके रख लो। दूसरी चीज, क्वेश्चन की आपको देखो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये कॉमन चीज है। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते अपने क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट की, कर सकते हो एक बार आप ट्राई करो। चलो एक बार तो आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो जल्दी से। देखो जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कई बच्चों ने जो है इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलो देखो, तो कुछ नहीं भाई, क्या कर तू, सबसे पहले देखो हमने कहा सर ये स्क्वायर में है, याद करो आपके पास जो है साइन स्क्वायर को आप जो है कैसे कन्वर्ट करते थे, तो आपको कॉस 2x का फॉर्मूला याद था। कॉस 2x में हमारे पास आता था साइन स्क्वायर x, कैसे आता था, तो ये आता था 1 - 2 sin² x। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे ये 2x, यहाँ पे मान लो चलो हम थीटा ले लेते हैं, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर थीटा की जगह ये पूरी चीज है, आगे बात में। तो फाइनली हमें यहाँ से जो है, अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये आया इधर और ये हो गया 1 - cos² θ/2। ये 2 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो थीटा की जगह समझो कंपेरिजन कर लो ये है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 2x + 5 को हम इसको पहले जो है इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हमने कहा सर ये साइन स्क्वायर 2x + 1 की जगह, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 - cos² θ। देखो 2θ का मतलब क्या है, 2θ का मतलब है 2 × θ की वैल्यू देखो कितनी है, 2x + 5, बात समझ रहे हो, ये चीज है ना, कंपेरिजन करके हम चल रहे हैं, अपॉन में कितना है 2 है। अब हम इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे आगे बात समझ में। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो अलग अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 1/2 जो है इसके पास भी रहेगा और 1 dx हो जाएगा माइनस, उसके बाद देखो ये 1/2 इसके पास भी रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जा कितना हो जाएगा 4x और प्लस 2 5 जा 10, प्लस का 10 आगे बात सुनने dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप कर दो, तो 1 dx का करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, दैट मीन्स 1/2 × x - 1/2। अब देखो अब इसका ऐसे आप नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इस 4x + 10 को मानना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो आपने कहा सर 4x + 10 = आपने माना है t, तो अब जिसको आप मानते हो उसका एक बार आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो कितना हो जाएगा 4 dx + 0 होगा ना, 4 dx + 0 = dt। आपको यहाँ से dx की वैल्यू चाहिए, सो फाइनली dx = क्या मिला, 1/4 dt। तो जहां पर भी dx है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, 1/4। ओके, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t * dx की जगह कितना रखना है, 1/4 dt। तो 1/4 और ये बाहर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2x माइनस ये हो जाएगा 1/8 और इंटीग्रेशन ऑफ cos t। ठीक है, चलो कर देते हैं 1/2x माइनस 1/8। अब देखो cos t, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, अरे बस में sin t और प्लस का लग गया c। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस t की वैल्यू पुट करने वाले हैं, बस हो गई कहानी खत्म। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास फाइनली x/2 माइनस का 1/8 और sin t की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, 4x + 10 और प्लस c, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। आरी वासन है, कितना आसान है, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद तो हमें तो बताना ही है, ट्राई करो एक बार खुद से आप। देखो जी, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट लाइक एकदम एग्जांपल वाले की तरह, जो हमने एग्जांपल नंबर 7 हमने जो किया था ना, वैसे ही है, sin 3x * cos 4x, ट्राई कर लिया। देखो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हमें एक फॉर्मूला पता था, सिंस एज वी नो हमें एक फॉर्मूला पता था, sin A * cos B। ठीक है, sin A * cos B = देखो क्या होता है, 1/2 और sin A + B, याद है ना, sin A + B और प्लस sin A - B, यानी कि जो मतलब जो एंगल साइन के साथ है हम उसको A ले रहे हैं और जो एंगल कॉस के साथ है हम उसे B ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। सो हमने कहा कि ये जो टर्म है हमने इसको कुछ देखो ऐसे ब्रेक कर दिया, कैसे, 1/2
और विद इन ब्रैकेट क्या कर दिया जाए, साइन ए प्लस बी, ए मीन्स 3x + 4x, ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स 3x - 4x, क्लियर है। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1/2, और ये हो जाएगा साइन 4 × 3 = 7x और प्लस साइन 3x - 4x, दैट मीन्स -x, है ना। अच्छा, साइन, सॉरी, साइन क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स होगा, ठीक है, साइन माइनस एक्स। अब देखो 1/2, और ये हो जाएगा हमारा साइन 7x, और देखो एज वी नो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि साइन -θ इज इक्वल टू क्या होता है, -sin θ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर -θ है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, दैट मीन्स माइनस का sin x। चलो इतना आता अभी समझ, ठीक है। अब हम इसका क्या कर लें, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन, तो कितना जाएगा, देखो 1/2 को हम बाहर ही छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये कैसा सिंबल है सर इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट लगा दो साइन 7x - sin x और इस पूरे का क्या dx, आगे बस में, तो दोनों को अलग अलग कर लिया जाए, चलो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और मैंने आपको इस तरीके का इंटीग्रेशन करना मैंने आपको बताया, क्या याद रखो सिंपल सा फंडा क्या है, मतलब एक फॉर्मूला बना दिया जाता है, ये कहा जाता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax होगा और dx होगा तो क्या हो जाएगा 1/a, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस, दैट मीन्स माइनस का 1/a cos ax, क्लियर है, बस इतनी सी बात। या फिर चाहो अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप क्या कर लो, इसको मान लो, आ रही बात समझ में ना, मैंने आपको मान करके भी तो बताया ना, 7x को मान लेंगे क्या t, समझ रहे हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आगे बढ़ा जाए आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। देखो तो हमने कहा सर 1/2, और हम इसका इंटीग्रेशन जब हमने किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस का 1/a, ए मीन्स दैट इज, देखो ax है, दैट मीन्स 7 और cos 7x माइनस 1/2, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी, हमने जी लगा दिया। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/14 cos 7x, और ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/2 cos x प्लस का सी, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देख बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, कह रहा है cos 2x - cos 4x - cos 6x। अब मेरी बात समझो, देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, आपने पढ़ा कि अगर मेरे पास साइन ए इंटू कॉस बी है तो हम उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ठीक है, ये आपने अभी देखा, ठीक है ना। अब बात समझो, अब आपके पास है कॉस, अब तो क्या आप इसको ऐसे कहोगे कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए, नहीं, आपके पास एक और फॉर्मूला है, क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी का, समझ रहे, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस बी का फॉर्मूला नहीं, आपके पास है कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, तो क्या होता है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जिस तरीके से साइन ए इंटू कॉस बी का है उसी तरीके से कॉस ए इंटू कॉस बी का भी फॉर्मूला है क्या, देखो 1/2, फिर हम लेंगे कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, ये सिंपल सा हमें फॉर्मूला याद रखना है, किसका, कॉस ए इंटू कॉस बी का, समझ रहे हो। अब आपकी मर्जी, देखो आप क्या कर लो ना, स्टार्टिंग से आप या तो इन दोनों को स्टार्टिंग से ले लो या पहले इन दोनों को ले लो, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी कर लो या कॉस ए इंटू कॉस बी कर लो, तो हम इन दोनों को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता है आंसर क्या है, बट हम पहले इन दोनों को लेकर के चल रहे हैं और इन दोनों को देख करके हम जो है मतलब ऐसा समझो, हमने कहा सर हम इन दोनों को जो है एक साथ ले लेते हैं, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, आ रही बात, कॉस ए इंटू कॉस बी, देखो जितने भी फॉर्मूले आते जा रहे हैं ना उन सभी फॉर्मुलों को आप एक जगह अपनी कॉपी में लिखते चलो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिना फॉर्मूले के आप ये कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो, क्या बोला जा रहा है कि जितने भी फॉर्मूले सबको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख डालो, पेज में ले लो और जहां पढ़ रहे हो वहां पर लगा लो, यार क्या हो क्या है, याद हो जाएगा, 4 क्वेश्चन लगा लो ना इसके बेसिस पे, याद हो जाएगा, ठीक है, मैथ्स क्या करना है, यही तो करना होता है, प्रैक्टिस तो करना होता है ना, ये तो ऑलरेडी आपको तो इसका फॉर्मूला याद ही है, साइन ए इंटू कॉस बी का, समझ रहे हो। चलो नाउ हम बात करते हैं अपने सारे क्वेश्चन की, देखो तुमने कहा हम सर जो है पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, कॉस 2x इंटू कॉस 4x को ले लेते हैं, दैट मीन्स कॉस ए इंटू कॉस बी, तो एज वी नो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, तो 1/2, अब देखो कॉस ए प्लस बी, दैट मीन्स कॉस
ए का मतलब कितना है 2x प्लस बी का मतलब कितना है 4x, फिर क्या होता है प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए का मतलब कितना है 2x माइनस बी का मतलब कितना है 4x, फिर देखो क्या है फिर इंटू बाहर क्या है कॉस 6x, तो हमें एज इट इज कॉस 6x हमने वैसे ही रख लिया। अब देखो इसका हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1/2 को ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं, और देखो हमने जब 1/2 हम क्या करें ना पहले तो 1 मिनट इनको सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो जाएगा ये देखो कॉस 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा 6x, कॉस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कॉस 6x प्लस कॉस माइनस 2x, बोलो अरे बस में ये होगा इंटू कॉस पूरे का 6x है ना, ये इंटू में पूरे का मल्टीप्लाई रहेगा। अब देखो इस 1/2 को ऐसे छोड़ दो, अब बात समझे यहां से देखो क्या है कॉस माइनस थीटा, ये जस्ट लाइक पर आपका थीटा है तो क्या है सिंस एज वी नो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं, हम इसको क्या कह सकते हैं दैट मीन्स कॉस 6x और प्लस कॉस 2x और इंटू कॉस 6x, आगे बात समझ में। अब देखो क्या कर दिया जाए, अब जो है ना हम इनका इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा दैट मीन्स ये आपके पास हो जाएगा 1/2 को बाहर ही रहने दो ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x, आगे बात समझ में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x ठीक है, और कॉस स्क्वायर 6x अच्छा फिर ये हो जाएगा आपके पास कितना प्लस का कॉस 2x इंटू कॉस 6x, क्लियर है ये बात आपको आ रही समझ में। देखो यहां से आप एक काम कर सकते हो, क्या काम हम सर क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा करते ना हम जो है इनका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, बात समझो हमने कहा सर 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 6x और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस 6x, अब बात समझना मेरी थोड़ी सी। देखो अब क्या है ना कि जब आप इनको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा जस्ट लाइक ये कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला है और ये फिर से कॉस ए इंटू कॉस भी आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं कि चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना देखो हम क्या करते हैं हम इस पूरे टर्म को मान लेते हैं आई वन और इसको मतलब सिंपलिसिटी के लिए समझ रहे हो मतलब कॉपी आपकी पूरी की पूरी भर ना जाए और इस टर्म को हम लोग मान लेते हैं आई टू, समझ रहे हो चलो। तो हमने कहा सर मेरे पास आई वन देखो क्या है आई वन है मेरे पास 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 6x, बात समझो तो कॉस स्क्वायर 6x कोई दिक्कत नहीं भाई अपना अपना ना ये 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था वो तो ब्रैकेट में करके था ये तो फिर भी 6x है कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना फंडा जो है मतलब आपको अपना जो फॉर्मूला पता है वो क्या है आपको ये पता है भी क्या कि कॉस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, चलो यहाँ पे हम जो है थीटा ले लेते हैं ठीक है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे पास सॉरी 1 - cos 2θ/2, यही तो करते हैं बस यहां पर थीटा है यहां पर आपके पास 6x है, आगे बात समझ बताओ एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया भाई, यहां पर हमारे पास जो है ना वो है कॉस ओके और हमने ये लगा दिया हमने ये निकाल दिया साइन, तो कुछ गड़बड़ है रुको मेरी बात समझो देखो, तो कोई बात नहीं हम जहाँ पे कॉस 2θ का हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, बात समझो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मेरे पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर है ना ठीक है, तो हम कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस वाला, दैट मीन्स क्या होता है कॉस 2θ कह लो 2x कह लो कुछ भी कह लो भैया आपकी मर्जी ठीक है, कॉस 2θ इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos² θ - 1, आगे बात समझे तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आपने कहा सर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ देते हैं इस वन को इधर भेज देते हैं दैट इज हो जाएगा ये 1 + cos 2θ ठीक है 1 + cos 2θ/2, तो जहां भी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पे आपको क्या रखना है 1 + cos 2θ/2, दैट मीन्स थीटा की थीटा का मतलब क्या 6x, समझ गए थीटा का मतलब क्या 6x, क्लियर है रख दिया जाए चलो रखते हैं। देखो तो हमें यहां पर रखना है सो आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 तो है एज इट इज, अब देखो कॉस स्क्वायर 6x पास समझो कॉस स्क्वायर जस्ट लाइक थीटा थीटा और यहां पर क्या है 6x है ना, तो इसके जगह हमें रखना है 1 + cos 2θ, देखो क्या रखना है 1 + cos 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है थीटा की वैल्यू है 6x, आगे बात समझ में अपॉन फिर क्या रखना है 2, ये हो गया
आरी बात समझे है ना। चलो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स आई वन इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो क्या करते हैं हम इसका फिर से क्या कर लिया जाए, अलग अलग फिर से हम इसका इंटीग्रेशन कर ले। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका, इसीलिए हमने अलग अलग कर लिया ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास देखो 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ पे dx लगाना हम तो भूल ही गए, ठीक है। 1/2 इंटू dx, यहाँ पर भी हमने सर dx लगाना भूल गए, क्या ही कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, dx ठीक है, ये प्लस है, चलो। तो 1/2 dx, फिर प्लस 1/2 इसका ये वाला, मतलब ये वाला दोनों के पॉन में ना, 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos, देखो कितना हो जाएगा 6 to 12x dx। आगे बात समझ में, चलो इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो देखो कितना हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/2, और 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, dx का करेंगे क्या मिलेगा x, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 और देखो 12x, cos 12x याद आया, cos ax या है ना, cos ax dx इज इक्वल टू क्या मिलता था, 1/a sin ax, या फिर कई बच्चे मान लो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपने कहा सर cos ax कैसे आता था भाई, dx है ना। देखो फिर से देख लो, जो बच्चे समझ पा रहे हो आप जल्दी से स्किप कर लो वीडियो को, आगे भगा दो। तो हम क्या करते थे, हम इसमें ax को मान लेते थे t, क्या जाता था a dx इज इक्वल टू डी टी, सो dx इज इक्वल टू 1/a dt। तो जहां भी dx है उसकी जगह क्या रखेंगे, 1/a, दैट मीन्स ये हमारा 1/a हो गया बाहर, और देखो ये हो गया आपके पास cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, दैट मीन्स 1/a और sin t, रुको तो t t की वैल्यू देखो आपने कितनी मानी ax, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली आ रही बासों में ना, तो 1/a sin ax, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं समझ आया तो ये देख लो, ये नहीं समझ में आया ये ध्यान रख लो, कोई तो एक चीज ध्यान में रखोगे, ऐसा तो नहीं ना कि दोनों से यार मतलब समझ रहे हो, चलो ठीक है। तो 1/2 हमारा ये पहले से ही बाहर है, 1/2 है cos 12x, तो cos 12x की जगह हमने रख दिया गया जस्ट लाइक cos ax, ठीक है। तो 1/a दैट मीन्स 1/12 इंटू cos सॉरी sin है ना, sin हो जाएगा sin ax, ax मीन्स 12x, ठीक है, ये हो गया ओके okay, और प्लस का c, ठीक है। हम दोनों का मिला करके एक ही कांस्टेंट ले लेंगे, देखो होगा क्या ना, जैसे आप यहाँ पे i1 है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा c1, i2 जब करोगे तो उसका एक कांस्टेंट आएगा c2, दोनों c1 प्लस c2 मिला करके एक ही कांस्टेंट हो जाएगा क्या c। चलो तो यहाँ पे आपने ये i1 की वैल्यू निकाली, इसको थोड़ा सा आप अगर आप सॉल्व अगर और ज्यादा कर सकते हो तो ये आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ये आपके पास देखो हो जाएगा x/4 और प्लस ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 24 और 24 इंटू 248, ठीक है। तो 1/48 और साइन 12x प्लस का c1 ये आएगा, ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक बताओ बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा का सारा काम किसका है, फॉर्मूले का काम है, फॉर्मूला नहीं याद तो मतलब कुछ भी नहीं, ये ऐसे नीचे नीचे होता है ना, ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको जो है ना फॉर्मूला याद रखना, और देखो है कुछ नहीं भाई, सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ कि कैसे क्या आ रहा है ये चीज, आपको कोई बात नहीं, आपने कहा सर मेरे को सर कॉस स्क्वायर 6x का ना फॉर्मूला नहीं पता, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखो 6x जस्ट लाइक थीटा, तो हमने सर कहा ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको कैसा ट्रीट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जैसा ट्रीट करेंगे, बस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे 6x रख देंगे, समझ रहे हो ना, ये बस सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, उसके बाद फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद फिर हमारा मेन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यही तीन चीज है, ठीक है, जनरल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाइड करना है चीज़ों को, फिर उसके बाद हमारा फिर से वापस ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, देन फिर से उसको क्या करना है, फिर से सिंप्लीफाइड करना है, यही बात तो चल रही है, ठीक है ना। तो ये हमने आई वन निकाल लिया, नाउ हम बात करते हैं देखो जी आई टू की, ध्यान समझना, आई टू की बात करते हैं, इस चीज़ को मिटा दिया जाए, इस चीज़ को आप लिख लिए हो, आई होप आपने लिख लिया हो और आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। बट कमेंट करने से पहले आप एक बार फिर से मतलब जो है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप देखो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, देन आप उस चीज़ को प्रॉब्लम को जो है कमेंट करो, और कोशिश करो कि उस चीज़ को आप फिर से समझने की मतलब देखो वीडियो को फिर से देखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो हम बात करते हैं अपने आई टू की, देखो कुछ बच्चे होंगे जो आई वन आई टू नहीं मानेंगे, वो डायरेक्टली ही कर लेंगे भाई, उनके पास अगर बड़ी सी कॉपी तो आप डायरेक्टली कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलो हमने कहा सर आई टू, आई टू हमारे पास क्या है, देखो आई टू हमारे पास है 1/2 और cos 2x इंटू cos
सिक्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो फिर से हमारा ये फॉर्मूला मिल गया, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी का देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था। सो आई टू इक्वल टू देखो कितना, ये 1/2 तो है ही है, ठीक है ना। अब हम इसमें जो है फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन ओके 1/2, फिर क्या था देखो कॉस ए प्लस बी, दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी, दैट मीन्स देखो 2x प्लस, डायरेक्टली कर रहे हैं, नहीं डायरेक्टली नहीं करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर हो गया बहुत बहुत सर आप डायरेक्टली करते हो, कॉस 2x प्लस 6x प्लस, फिर क्या होगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए की वैल्यू देखो कितनी है 2x, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6x, आगे बात समझ में। और यहाँ पे हमने छोटा सा लगा दिया dx, dx आप लगा दोगे, चलो देखो। सो फाइनली आई टू इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिला 1/2 ये है। ऐसा करते हैं कि हम इस 1/2 को बाहर ले लेते हैं, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखो पहले इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, देखो ये हमने 1/2 क्या कर लिया बाहर कर लिया, 1/4 हो गया, देखो कितना हो गया, तो ये आपके पास हो गया चलो अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने कहा सर इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा 8x dx, आ रही बात में, प्लस इंटीग्रेशन भाई देखो इसका भी इंटीग्रेशन है, इसका भी इंटीग्रेशन है, कॉस 8x dx, ठीक है। और प्लस इसका कर लेते हैं तो कि ये कितना हो जाएगा कॉस 2x माइनस 6x, तो देखो कितना आएगा कॉस माइनस 4x आएगा, और एज वी नो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, दैट मीन्स कि अगर कॉस थीटा अगर माइनस में है ना, कॉस थीटा अगर माइनस में ना, तो उसका जो है फॉर्मूला होता है वो कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे भी देखो कितना आएगा कॉस माइनस का 4x, तो कॉस माइनस का 4x दैट इज कॉस 4x, तो अभी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं क्या कॉस 4x, बताओ आ रही इतनी बात समझ में, आ रही होगी ना कॉस 4x dx। अब क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, चलो कर देते हैं भाई। तो आई टू इज इक्वल टू देखो 1/4, इसको बाहर ही रहने दो, ठीक है। कॉस 8x जस्ट लाइक वैसा ही है कॉट ax, सॉरी कॉस ax, तो कॉस ax का आप जो है इंटीग्रेशन कर लोगे जस्ट लाइक कॉस ax, आ रही बस में कॉस ax, तो क्या होता है देखो 1/a का मतलब 8, ठीक है। और कॉस है, कॉस का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है साइन x, तो 1/8 साइन 8x है ना, दैट मीन्स ax दैट इज 8x, ठीक है 8x, हाँ 8x से कुछ याद आया होगा, जरूर याद आया होगा जो बच्चे खेलते होंगे, हाँ सर याद आ गया। कॉस 4x देखो तो 1/4 और कॉस 4x, कॉस दैट इज कॉस ax, तो क्या हो जाएगा साइन 4x और प्लस का c2, समझ गए प्लस का c2, तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया i2 की वैल्यू, ठीक है। आप अगर चाहो ना देखो एक मिनट, 1/4 यहाँ है, हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ से भी देखो इस i1 को पता है हम क्या बना लेते हैं, इस i1 को हम बना लेते हैं, देखो यहाँ से हम जो है 1/4 कॉमन ले लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा x प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हमने कॉमन लिया ना, तो ये आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, ओके 1/12 और साइन 12x, ठीक है, और प्लस का c1। चलो अब यहाँ से देखो हमें क्या मिल जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ से हमें जो है i2 ऑलरेडी मिल चुका है, इतना i2 हमें इतना मिला है। अब क्या करते हैं देखो हमारा जो ओवरऑल हमारा जो है वो क्या है i1 प्लस i2 है ना भाई, ये i1 i2 दोनों भाई भाई थे, अलग हो गए थे ना, तो हम क्या करें हम इन दोनों को फिर से क्या करते हैं आपस में ऐड कर दें, ठीक है आज वास्तव में। सो फाइनली देखो हमें जो i1 प्लस i2 मिलेगा वो देखो कितना मिल जाएगा, सो हमने कहा सर क्या हो जाएगा, सो फाइनल यानी कि i1 प्लस i2 इज इक्वल टू देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 1/4 है, तो इसको बाहर ही छोड़ देते हैं, पहले तो इसको लिख ही लो यार, ठीक है एक मिनट आंसर भी तो मैच करना चाहिए, देख लेते हैं एक मिनट रुक जाओ, साइन 12x और प्लस का, देखो हम यहाँ से c1 और प्लस c2 को मिलाकर के एक ही चीज लिख देंगे दैट इज c, ठीक है। और यहाँ से देखो 1/4 और ये हो जाएगा आपके पास 1/8 साइन 8x और प्लस 1/4 साइन 4x, ठीक है एक मिनट रुक जाओ थोड़ा आंसर देख लेते हैं, हाँ जी हाँ जी ठीक है एकदम बिल्कुल सही है। देखो बस कुछ नहीं क्या करना है यहाँ से हमें कॉमन ले लेना है, ठीक है इस 1/4 को क्या कर लो 1/4 यहाँ भी 1/4 भी यहाँ भी कॉमन ले लिया जाए, तो देखो क्या बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस 1/12 साइन 12x साइन 12x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x, एग्जैक्ट आपका यही आंसर आया और प्लस का सी, हमने एक कॉन्स्टेंट हमने दोनों को मिला करके सी वन प्लस सी टू को मिला करके हमने एक कॉन्स्टेंट ले लिया दैट इज सी, है ना यही आपका आंसर आया। आगे और समय कितना आसान है
कमेंट करने से पहले कि हाँ सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप पहले आप ये चेक करो कि आपको एक्जैक्टली कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, फिर आप कमेंट करो, और कमेंट करने के बाद आप फिर से उस वीडियो को, उस पॉइंट को जाकर के देखो कि सर उस बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। मे बी आप कहीं गलती कर रहे होगे। गलती क्या कर रहे होगे ना, हम जान रहे हैं कि मोस्टली बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, सर ये मेरे पास कॉस स्क्वायर 6x है। कोई बात नहीं, अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मान लो कि आपका ये थीटा है, जस्ट लाइक थीटा, तो बस थीटा की जगह हमने क्या मान लिया 6x, तो जहां जहां भी थीटा होगा उसकी जगह क्या रख देंगे 6x। भाई कॉस 2 है, कॉस 2 है ऑलरेडी, पहले से कॉस 2 है, अब थीटा की जगह कितना रख दिया 6, बस हो गया काम खत्म, क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर आया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काफी बड़ा क्वेश्चन था, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सभी आपका पाला पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड भर गया है। देखो जी ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, साइन क्यूब एक्स 2x। यार देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े समय के लिए बच्चे ऐसा समझो ना कि जो आपका साइन क्यूब 2x प्लस 1 है ना, ये कुछ ऐसा है, ठीक ठीक है। अब जहां थीटा है उसकी जगह हम थीटा की जगह वैल्यू रख लेंगे, तो साइन क्यूब थीटा, जस्ट लाइक याद करो साइन क्यूब थीटा का हम दो तरीके से करते थे, एक तो हम साइन क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे, या फिर हम इस साइन क्यूब को तोड़ देते थे, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, याद आया। फिर हम साइन स्क्वायर को मानते थे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर हम इसको मान लेते थे पूरे टर्म को क्या, सॉरी हम इस कॉस थीटा को मान लेते थे टी, तो कॉस थीटा को जैसे हम टी मानते थे तो हमारा यहाँ पर आ जाता था, मतलब वो बात की बात है जब हम डीएक्स वैक्स लेते थे, याद है ना, एग्जाम्पल नंबर सेम वैसे ही है ना। तो क्या है, प्रैक्टिस करना है आपको, समझ रहे हो। चलो तो क्या कर दिया जाए, साइन क्यूब थीटा था तो हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस, तो वैसे हम इसको भी तोड़ ले, बस पर क्या है यहाँ पर थीटा है, अब यहाँ पर कितना हमें रखना है साइन 2x प्लस, सॉरी हमें थीटा की जगह कितना रखना है 2x प्लस 1 रखना है, रख दिया जाए। देखो तो देखो हमने कहा सर साइन, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, हमने कहा कि ये जो हमारे पास है ना, इसकी जगह हम रख लेते हैं क्या, इसकी जगह हम रख लेते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, देखो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमने ये रख लिया, ठीक है। अब इसको फिर से तोड़ दो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझो समझो सर क्या कह रहे हैं, सर ने कहा इसे यहाँ पे डीएक्स ले लिया जाए, देखो सर ये कहना चाह रहे ना क्या हो गया आपके पास, ये देखो कुछ ऐसा हो गया, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर सही बात है, अब थीटा, थीटा तो रखेंगे नहीं, थीटा की जगह ये रख देंगे क्या 2x प्लस 1, आगे बात सुनिए, ये एक साथ हो गया, ठीक। और फिर ये एज इट इज साइन थीटा, इसको ऐसे रख दे, दैट मीन साइन थीटा का मतलब 2x प्लस 1, बस हो गया भाई, यही कहानी है, dx खत्म, आई बात सुनिए। अब आगे समझो, फिर हम इस केस में ऐसा क्या करते थे, हम इसको cos थीटा को, याद करो cos थीटा को हम क्या करते थे, मान लेते थे t, मैंने आपको बोला था ना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जाकर के अभी नहीं लगाया हो तो आप जाकर के पहले एक्सरसाइज 7.3 के एग्जांपल्स पहले आप जाकर के ट्राई करो, है ना, स्किप नहीं करना है किसी भी पार्ट को, नहीं तो फिर वही कहोगे सर कहाँ आकर के हम फंस गए, आप समझा नहीं पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो। तो पहले आपको जाकर के एग्जाम्पल वाला प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में थोड़ा सा और सारी चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने कहा, हमने क्या कहा सर, इस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, टी मान लेते हैं, लेट कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा नहीं लेंगे ना भाई, हमारा क्वेश्चन थीटा, हमारे क्वेश्चन में थीटा है क्या, नहीं वो तो हमने मान लिया है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में थीटा नहीं है, क्या है, थीटा की जगह 2x प्लस 1 है, तो कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हमने मान लिया टी, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो इस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 पास समझो, अब हम जिसको मानते हैं उसका एक बार हम फिर से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो भाई देखो हमें यहाँ पे अब यहाँ पे टी आ गया ना, अब यहाँ पर तो बात जो है जम नहीं रहा, तो हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे, याद करो सब, देखो सब आपका जो अब ना यहाँ से सब आपका डिफ्रेंशिएशन भी रिविजन हो रहा है, ठीक है। तो आपने कहा सर कि हम कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, ऐसे समझो मान लो अगर आपके पास केवल एक्स होता तो कॉस स्क्वायर एक्स का आप डिफरेंशिएशन कैसे करते, तो क्या करते थे देखो याद करो, अगर जिन बच्चों को पता है जल्दी से भगा लो, नहीं पता तो देखो कॉस एक्स का होल स्क्वायर करते थे, हाँ लाइट आ गई, ठीक, कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते थे, फिर हम इस कॉस एक्स को मान लेते थे टी, याद आया चेन रूल, कॉस एक्स को मान लेते थे क्या, इस पूरे को हम मान लेते थे टी, दैट मीन्स ये हो जाता था टी स्क्वायर, दैट मीन्स टू इंटू टी, तो टी, टी इज इक्वल हमने माना क्या है कॉस एक्स, आगे बात समय, और फिर से हम
जिसको हम मानते थे, दैट इज यानी कि कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का एक बार हम फिर से क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करते थे, याद आया? ठीक है, तो उसी तरीके से हम जो है यहाँ पर भी करेंगे, है ना। एक मिनट, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, एक गड़बड़ हो गया यार। देखो यहाँ से जो है हम केवल इस कॉस, इतना लंबा क्या बनाना, हम यहाँ से केवल इस कॉस टू एक्स प्लस वन को मानेंगे टी, ठीक है। तो कॉस टू एक्स प्लस वन, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन टू एक्स प्लस वन, और आपने माना किसको है, आपने माना है टू एक्स प्लस वन को, तो टू एक्स प्लस वन का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो टू एक्स प्लस वन का जब हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो टू एक्स का, टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, टू और प्लस जीरो, दैट मीन्स टू इज इक्वल टू, और फिर यहाँ से डी एक्स, ना डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो आपके पास हो जाएगा माइनस का टू साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप समझो, देखो माइनस का टू साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप समझो, हमने कहा सर हमें चाहिए साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ना कि हमें माइनस टू चाहिए। तो इस माइनस टू एक्स्ट्रा है, तो इस माइनस टू को हम इधर भेज देते हैं, दैट मीन्स हो जाएगा ये साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टू डी टी। ओके, तो जहां भी हमारे पास साइन टू एक्स प्लस वन है डी एक्स है, ठीक है, साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स है, इसके जगह हम रख लेते हैं क्या, माइनस का वन अपॉन टू डी टी। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास, रख दिया जाए, चलो रख देते हैं इस वाले में, है ना। तो वन की जगह वन रखना है, माइनस कॉस टू एक्स प्लस वन की जगह हमने माना है टी, तो ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स की जगह हो गया क्या डी टी। देखो बात समझ, थोड़ी सी बात समझना, है वही चीज हो ना, बस क्या किया गया ना, जहां पर अभी केवल एक्स दे देता था, केवल एक छोटा सा टर्म दे देता था, थ्री एक्स दे देता था, बट अब यहाँ पे टू एक्स प्लस वन दे दिया, बात तो वही चीज है, फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना। फॉर्मूला इसके लिए ऐसा नहीं कि इसके लिए हम कोई स्पेशल फॉर्मूला बना रहे हैं, नहीं, हम उस चीज को पूरा का पूरा मान ले रहे हैं थीटा, समझ रहे हो, इस बात को समझ करके चलो, ठीक है ना, तभी जो है ऐसे कर पाओगे, वरना फिर नहीं समझ में फिर जो है इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है यार, देखो इतनी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक। वन माइनस टी इसका डी टी हो गया, अब हम इसका जो है इजिली जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं कैसे, तो ये हमारा हो जाएगा वन डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो वन का करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, टी मिलेगा, तो टी मिल गया, माइनस का टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा, टी के पावर थ्री अपॉन थ्री, टी के पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस का सी। सो फाइनली टी की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, कॉस टू एक्स प्लस वन और माइनस वन अपॉन थ्री, और टी क्यूब है, दैट मीन्स कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन और प्लस का सी, ये आपका जो है फाइनल सा आंसर हो जाएगा, चेक कर लिया जाए आंसर, ठीक है। तो देखो कहाँ गया, एक मिनट आंसर कहाँ गया भाई, ओके आंसर में देखो क्या आ रहा है, माइनस एक मिनट माइनस वन पॉइंट टू। ओहो देखो बच्चे भी कह रहे होंगे सर आपने छोड़ दिया, आपने गलती कर दी, देखो एक मिनट, माइनस वन पॉइंट टू है ना, माइनस वन पॉइंट टू डी टी है ना, तो भाई हम केवल डी टी तो नहीं रखना है ना, हम ऐसा करते हैं माइनस का वन पॉइंट टू यहाँ कर लेते हैं और एक बार सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब सही है सर, बिल्कुल भी सही है, अब एकदम सही है सर, वन अपॉन टू, आगे बात समझ में, अब सही है ना, ठीक, माइनस का वन अपॉन टू। अभी अगर आप ब्रैकेट अगर आप देखो ओपन कर रहे हो तो देखो कितना आएगा, माइनस कॉस टू एक्स प्लस वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा माइनस माइनस देखो हो जाएगा कितना, प्लस ये हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, यानी कि कॉस क्यूब टू एक्स प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस का सी, अब एकदम 100% सही है, ठीक है। हाँ तो ये थोड़ी सी गलती भी, ठीक है, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी वही वाली कहावत है। चलो बात करते हैं मुझे क्वेश्चन नंबर फाइव की, देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, बस ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको डराने के लिए दिया और कुछ भी नहीं, सिंपल, आप सबसे पहले इसका क्या कर लो, इंटीग्रेशन ले लो, है ना। तो हमने कहा सर क्या हो गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये हुआ, कुछ नहीं करना है, आप क्या करो सेम वही काम करो, साइन क्यूब एक्स को तोड़ो, कैसे, आप इसको ऐसे तोड़ो, साइन तोड़ना मतलब मारना पीटना नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो, क्या कॉस क्यूब एक्स, देखो यहां पे आप चीजों को समझ पा रहे हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स को देखो हम कैसे कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स, ठीक है, और इंटू कॉस
कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब बात समझो, देखो जहां भी हमारे पास ये कॉस है ना, कॉस एक्स है ठीक है, इसकी जगह हम मान लेते हैं क्या टी। तो बात समझो, ये हो जाएगा 1 माइनस टी। अब अगर आप कॉस एक्स को अगर आपने माना है टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा टी क्यूब। आगे बात समझे, और कॉस स्क्वायर एक्स का अगर आप सॉरी डिफरेंशिएशन, क्योंकि आपने कॉस एक्स को माना है, आपने कॉस ये स्क्वायर में है ठीक है, आपने कॉस स्क्वायर एक्स को माना है, तो अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा, और साइन एक्स डी एक्स मिलकर के क्या बन गया डी टी। क्लियर होगी बात? तो क्या कर लिया जाए, हमने ये लेट कर लेते हैं क्या कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। सो कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो, तो आपको यहां से चाहिए साइन एक्स डी एक्स, माइनस नहीं चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी, ये हो गया। सो फाइनली आ जाते हैं यहां पर क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख देते हैं, माइनस का डी टी। तो ऐसा करते हैं, माइनस को हम जो है बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू कॉस क्यूब एक्स दैट इज टी क्यूब है कि नहीं, और इंटू डी टी। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक पहले क्लियर करो अपना कॉन्सेप्ट कि सर ने ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया ठीक, इज इक्वल टू। अब जो है इसको आप अलग अलग क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का सिंबल ऐसे ही बाहर ही लगे जो है रहने दो ठीक है। तो माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये कितना हो जाएगा टी क्यूब डी टी ठीक है। यहाँ पे जो है एक बड़ा सा जो है, एक मिनट यार, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा ना, नहीं एक मिनट, पहले माइनस लगाया, फिर एक इंटीग्रेशन लगाया, फिर हमने ये ब्रैकेट लगाया, देखो कैसे। तो ये हो गया आपके पास टी क्यूब, और माइनस ये हो गया टी के पावर 5, माइनस टी के पावर 5, और ये हो गया आपके पास डी डी। क्लियर है? चलो अब इसको अलग अलग कर लिया जाए, तो जो है माइनस हम लगे रहने दे रहे हैं ठीक है। तो माइनस या एक ही साथ चाहो तो आप इंटीग्रेशन कर लो, देखो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी के पावर 4/4 माइनस टी के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के पावर 6/6 और प्लस का सी। चलो वैल्यू रख दी जाए, है ना, वैल्यू रख दी जाए, तो वैल्यू रख देते हैं, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी के पावर 4, तो टी की वैल्यू हमने देखो कितनी मानी है, कॉस एक्स दैट मीन्स कॉस के पावर 4x/4 और माइनस ये हो जाएगा टी के पावर 6 दैट मीन्स कॉस के पावर 6x/6 ठीक है, और प्लस का सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, चाहो तो आप जो है ब्रैकेट को ओपन कर लो ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, एक बार आप ट्राई करो तो खुद से क्वेश्चन नंबर 6। देखो जी ये है क्वेश्चन नंबर 6 यार, सेम है इस तरीके का, मैं हमने भी पहले क्वेश्चन किया है साइन 2x साइन 4x और साइन 6x। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 7.3 क्वेश्चन नंबर, देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अरे यार ठीक है, मैं इसको नहीं बताने वाला, आप खुद से ट्राई करोगे ठीक है, और कमेंट करके बताओगे हाँ सर यस सर मैंने कर लिया है ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। आप किसी को भी लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, है ना, आपकी मर्जी, आप इन दोनों को पहले ले लो ठीक है, या फिर आप जो है इन दोनों को पहले लो। हाँ इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, चलो देखो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो ये जैसे आपने कहा सर ये मेरा साइन ए है ठीक है, और ये मेरा साइन बी है ठीक है, फिलहाल तो हम साइन ए इंटू साइन बी, पिछले बार भी क्या था, पिछले बार था कॉस ए इंटू कॉस बी, अब यहां पर क्या क्या आ गया साइन ए इंटू साइन बी। देखो साइन ए इंटू साइन बी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू, अगर साइन बी आता है ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाता है, ये होता है 1/2, तो सब में रहेगा ठीक है। और देखो साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस में, दैट इज कॉस और बी माइनस ए, क्या बोलते हैं कॉस सॉरी उल्टा हो गया बी माइनस ए, एक मिनट सॉरी कॉस ए माइनस बी ठीक है, पहले हम ए माइनस बी लेते हैं, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ठीक है। अरे वैसे में तो आपके पास तीन फॉर्मूले हो गए है ना, सेकेंड वाला फॉर्मूला भी देखो लिख लिया जाए, इसके पहले वाले यानी कि हमने जो क्वेश्चन में जो हमने जो थर्ड किया था ना, उसमें देखो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, उसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था कॉस ए इंटू कॉस बी, कितना था देखो 1/2, और ये था कॉस, हाँ कॉस में ही था कॉस ए प्लस बी, ओके कॉस ए प्लस बी और क्या था प्लस ठीक है प्लस प्लस ही था ना यार, हाँ ठीक है चलो प्लस कॉस
ए माइनस बी, है ना, ये हो गया। और आपके पास एक और फॉर्मूला था, कौन सा? हाँ, आपके पास एक और, आपने एक और एग्जांपल में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था? साइन साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। देखो तीनों फॉर्मूले आपके पास एक साथ हो गए ना, तो आप इन सब तीनों फॉर्मूले को याद रख लो। क्या था? वन अपॉन टू, अब देखो ये था साइन में ना, ये था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपके पास फॉर्मूला था, ठीक है, ये तीन आपके पास फॉर्मूले थे, ठीक है बच्चे। तो ये आपको इस तरीके से फॉर्मूला देखो याद रखना। देखो देखो मैंने अपने माइंड में पता है ना क्या, मतलब एक माइंड सेट, देखो मैंने क्या बताया था ना, मतलब बनाया था, कॉस जो होता है ना, कॉस हमेशा जो है ना साइन के साथ जो है ना थोड़ा सा वो कर देता है, मतलब अपनी दुष्टता दिखा देता है, समझ रहे हो? जैसे देखो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है, तो भाई कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला तो कॉस ही कॉस है ना, कॉस ए प्लस बी है प्लस कॉस ए माइनस बी है, समझ रहे हो? इसने साइन को जगह दिया ही नहीं, ठीक है। फिर जब साइन ए इंटू सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ये साइन ए इंटू कॉस बी था, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी। फिर देखो फिर जब साइन ए इंटू, जब साइन बी की बारी आई, तो साइन ए इंटू साइन बी वाले में भी कॉस ही आ गया, समझ रहे हो? साइन ए इंटू साइन बी वाले में भी कॉस आ गया, मतलब फिर से इसने क्या किया, साइन को इसने फिर से जगह नहीं दिया। लेकिन अब जैसे ही साइन वाले ने, है ना, साइन के साथ पे जब कॉस आया, दैट इज साइन ए इंटू कॉस भी आ गया, ये थोड़ा सुनने में थोड़ा सा फनी है, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस भी आ गया, तो अब साइन वाले ने कहा कि नहीं कॉस भैया जो है ऐसा करो, तुम अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके निकल लो, ठीक है, और अब पूरे के पूरे फॉर्मूले में जो है मेरा ही टर्म रहेगा, दैट इज साइन रहेगा, समझ रहे हो? तो कॉस जो है ना, कॉस शुरू से ही थोड़ा सा दुष्ट टाइप का है ना, फॉर्मूले में हम कॉस को थोड़ा सा दुष्ट मान करके चल रहे हैं, मतलब हर जगह हर किसी का वो जगह ले ले रहा है, स्पेशली साइन के साथ बहुत ज्यादा वो, मतलब उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, छल घात क्या कहते हैं, जो भी कह रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, समझ गए? तो कॉस इंटू कॉस बी में कॉस ही कॉस है भैया, कॉस का राज चल रहा है, साइन इंटू साइन में भी कॉस का ही राज चल रहा है, और तो और वो देखो साइन इंटू साइन बी के फॉर्मूले देखो, यहाँ पे जो है माइनस लगा दिया, पहले कॉस है माइनस बी लगा दिया, समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही साइन के साथ कॉस आया, है ना, तो अब जो है इसका जो है माथा थोड़ा सा ठनक गया, और उसने कहा कि भैया जो कॉस जो है तुम निकल लो, और अब हम केवल अपना फॉर्मूला देंगे किसके साथ, साइन इंटू कॉस बी के साथ, ठीक है, थोड़ा फनी है, बट आई होप आपको ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा ना कि कॉस थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, चलो आ रही बस में मिटा दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आप कर लोगे विश्वास है मेरे को, हाँ कर लोगे, चलो हम बता देते हैं, देखो देख लो भाई, देख लो, जिन बच्चों ने कर लिया वीडियो पॉज करके, पहले आप उनको ट्राई करो, और अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप यहाँ देखो, किसी को भी लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि पहले आप इन दोनों को लो, या फिर आप इन दोनों को लो, आपकी मर्जी, या फिर आप इसको लो या इसको लो, आपकी मर्जी, है ना, कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं हमें जो है रट करके चलना है कि नहीं इन्हीं दोनों को, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो तो हम जो है पहले जो है ऐसा करते हैं कि हम पहले इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स, देखो कितना हो जाएगा, तो हमने कहा सर मेरे पास है सिंस साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स और इंटू साइन थ्री एक्स, ठीक है, तो हम जो है इन दोनों में पहले साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन ए इंटू साइन बी का, है ना, तो साइन ए इंटू साइन बी दैट इज कॉस ही कॉस रहेगा, और कैसे, माइनस के साथ, है ए माइनस बी फिर कॉ माइनस का, ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं क्या, वन अपॉन टू, और देखो कितना हो जाएगा ये, कॉस ए माइनस बी, ए का मतलब एक्स और माइनस बी का मतलब टू एक्स, और माइनस कॉस फिर ए प्लस बी, ए का मतलब एक्स प्लस बी का मतलब टू एक्स, ठीक है, और ओवरऑल इनटू ये साइन थ्री एक्स है, तो साइन थ्री एक्स को हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं फिलहाल के लिए। तो अब देखो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, वन अपॉइंट टू, और ये आपके पास हो जाएगा कॉस, देखो माइनस एक्स मिलेगा तो कॉस माइनस डेट इज कॉस थीटा, समझ रहे हो ना, कॉस मैंने अभी बताया ना, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू केवल क्या होता है, कॉस थीटा होता है, माइनस का गायब हो जाता है, जादू है कॉस के पास, इसलिए ना ट्रिकी है थोड़ा सा, मतलब ये विजार्ड टाइप सा है, विजार्ड मतलब जो है जादूगर जो होते हैं, कॉस कॉस एक्स, ओके कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस का कॉस थ्री एक्स, क्लियर है, इंटू साइन थ्री एक्स, अब क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो, तो ये आपके पास हो जाएगा वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा आपके पास देखो कॉस एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, ओ माई गॉड, ठीक, ये थोड़ा सा अलग हो गया, माइनस कॉस थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स,
इंटू, ठीक 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 कुछ नहीं, इंटू फिलहाल कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास इतनी चीज़ें ये मिली। देखो अब यहाँ से मतलब ये जो आपको जो इतना जो बड़ा जो एक्सपेंशन मिला ना, इस एक्सपेंशन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, हम तो बताएंगे ही। चलो सही किए मेरे ख्याल से, चलो बता करके ये सही किए, बता ही देना चाहिए, सारे के सारे वैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। चलो देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्या हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, हम इसका पहले इंटीग्रेशन करके इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं आई वन और इसको मान लेते हैं आई टू। देखो साफ साफ देखो आपको समझ में आ रहा होगा, ये है आपके पास कॉस एक्स इंटू सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ये कुछ वैसा ही वाला फॉर्म है, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी ऐसे भी तो ले सकते हैं ना। फॉर्मूला आपको क्या पता है, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, और ये है आपके पास साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। याद करो आपके पास एक फॉर्मूला होता था टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या कहते थे, साइन टू एक्स। बस फर्क क्या है, बात समझो बच्चे, देखो फर्क क्या है, फर्क है ना कि यहां पर x है ना, और यहां पर 3x 3x है, बट है तो सेम एंगल, हाँ है ना। अच्छा तो क्या हो जाएगा सर, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2। अब देखो x की जगह क्या रखोगे आप, बच्चे 3x रख दोगे इंटू 3x, तो कितना हो जाएगा साइन 6x। तो इसका टेंशन तो नहीं है, ये तो हो गया साइन 6x, साइन 6x का मतलब बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 2 अपॉन 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो होगा 2 cos 3x इंटू साइन 3x, दैट इज 2 sin x इंटू, समझ में आ गई बात, ये बात आपको समझ में आ रही है, अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। तो इसकी टेंशन नहीं है, टेंशन इसकी है, और इसकी भी नहीं है टेंशन, इसकी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्यों, साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला याद आया साइन ए इंटू कॉस बी, जिसमें साइन ने कहा कि भैया कॉस जो है ऐसा करो तुम अपना बुढ़िया बिस्तर बांध करके निकल लो, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी याद आ गया, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए इंटू कॉस बी वाला, ठीक है, वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तभी तो साइन को मौका मिला, है आरी बस में ना याद हुआ। तो इस तरीके से थोड़ा सा रखोगे ना, मतलब अपने माइंड को इस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करो ना, तो समझ में आ जाएगा, इजिली याद हो जाएगा ना, वरना परेशान रहोगे कि इसको क्या कैसे याद करना है। चलो तो इसको अलग अलग कर लिया जाए, देखो कैसे करते हैं हम इसका जो है, हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दैट मीन्स वन अपॉन टू और कॉस इसका ऐसा हम साइन को पहले लिख लेते हैं, है ना, साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये हुआ माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स, ठीक है, डी एक्स। चलो इसको हम मान लेते हैं आई वन और इसे मान लेते हैं आई टू, और बीच में देखो माइनस है तो ध्यान रखना, तो आई वन माइनस आई टू है कि नहीं, है कि नहीं भाई, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। तो हम बात करते हैं पहले आई वन की, आई वन देखो हमारे पास कितनी है, वन अपॉन टू, और अब ऐसे लेट कर लो, लेट आई वन इज इक्वल टू दिस और आई टू इज इक्वल टू, ऐसे बताना पड़ेगा आई वन इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास कितना है वन अपॉन टू और कर ही लो सर, नहीं तो सर बता ही दो अच्छे से। देखो आई वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना, अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो तो साइन थ्री एक्स इंटू दैट इज, ये हमारा फिर से फॉर्मूला बना क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, याद आया फॉर्मूला क्या होता है, सो वन अपॉन टू तो वन अपॉन टू ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन भी लेकर के चल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फिर क्या लगाएंगे, वन अपॉन टू विद इन ब्रैकेट साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या होता है वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी, दैट मीन्स थ्री एक्स प्लस एक्स, और फिर प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज थ्री एक्स माइनस एक्स। बोलो बोलो सर यही तो होगा डी एक्स, ये डी एक्स भी तो लगाना जरूरी है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात आपको सर समझ में आ रही है, बिल्कुल सर समझ में आ रही है, गलत तो नहीं है ना, गलत तो नहीं है ना, साइन ए इंटू साइन बी, वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, सही है, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखो एक मिनट, चलो ठीक है, कितना जगह ये देखो वन अपॉन फोर और इंटीग्रेशन ऑफ साइन फोर एक्स, ठीक है, प्लस साइन थ्री एक्स माइनस एक्स, कितना जाएगा टू एक्स डी एक्स,
ये हो जाएगा। आरी बात समझ में? इतना हुआ, कर दो इनका इंटीग्रेशन। देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और साइन 4x, याद आया साइन ax 1/a, दैट मीन्स 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, माइनस का कॉस ax, ax मीन्स 4x। क्लियर है बात? फिर से देख लो, सिंस एज वी नो क्या साइन ax dx इज इक्वल टू 1/a माइनस यहां लगा दिया कॉस ax, ठीक है, ये होता है ना। तो ये कर दिया जाए 1/4 माइनस का कॉस 4x प्लस साइन 2x, तो 1/2 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और प्लस का c1 ये लग गया। बोलो इतनी बात क्लियर है? प्लस का हमने c1 लगा दिया। सो फाइनली आपको i1 इज इक्वल टू कितना मिला, इस 1/4 को ना ऐसा करते हैं बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है, फालतू अंतर मल्टीप्लाई करोगे जो है अब कोई टेंशन वाली मतलब हाँ, और क्या करते ना, यहाँ से 1/2 भी कॉमन ले लेते हैं, हटा ही दो, पूरा का पूरा कॉमन ही ले लो, ठीक है। 1/2 माइनस का कॉस 4x और माइनस का कॉस 2x और प्लस का c1, ये आपका मिला भी i1। नाउ हम बात करते हैं अपने i2 की। देखो एंड i2 इज इक्वल टू, देखो आपके पास कितना है, i2 इज इक्वल टू है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। अब मेरी बात समझो, आपने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला पता है साइन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, है ना, कोई बात नहीं, हाँ थीटा है वैसे 3x है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी 3x, तभी तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरत किसकी, यहाँ पे जरूरत बच्चे 2 की, किसकी जरूरत भाई, 2 की जरूरत है। देखो 2 की जरूरत है, मीन हम क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। बस समझो क्या आपने कहा सर, आपने कहा सर 1/2 ये एज इट इज था, ये 1/2, अच्छा ये वाला 2 भी बाहर आ गया और हमने इसको बोल दिया साइन 2 थीटा, दैट मीन बस समझो साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है, कंपेरिजन करो 3x इंटू 3x, बस कुछ नहीं यार, ठीक है, चलो आप मेरे साथ चलो, नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता ना, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, एकदम डिटेल में, एकदम मस्त से तरीके से, ठीक है ना, बस आप चलो मेरे साथ, ठीक है। i2 इज इक्वल टू 1/4 क्या हो गया फाइनली आपके पास, हो गया साइन 6x dx। अब ये बताओ 6x का कौन जो है इंटीग्रेशन नहीं कर लेगा, ऐसा यहाँ पे कौन सा बच्चा है जो 6 साइन 6x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, साइन ax याद आया, साइन ax याद आया, साइन ax याद आया, 1/a क्या हो जाएगा भाई, 1/a मीन 1/6 ax, a इंटू एक्स, 1/6 नहीं कर सकते ना, तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे करो, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/6 इंटू माइनस का कॉस ax, ax मीन्स 6x, सो फाइनली हो जाएगा 1/, ठीक है, देखो यहां भी ऐसा करते हैं कि 1/4 है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो ऐसा करते हैं यहाँ पे 1/8 बना, i1 में देखो क्या बना है, 1/8 बना है, तो ऐसा करते हैं ना यहाँ पर भी हम 1/8 बना लेते हैं, कैसे भाई, तो इस 6 को हम क्या 2 × 3 लिख सकते हैं, है ना, और जैसे ही हमने 2 × 3 लिखा तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/8 इंटू माइनस लगा दिया जाए कॉस 6x अपॉन 2, देखो ये 4 और 2 मिलकर के क्या हो गया, ये 4 और 2 मिलकर के हो गया 8, 4 × 2 = 8 और ये बच गया अपॉन में 3, ठीक है, तो माइनस का 1/8 कॉस 6x अपॉन 3 और प्लस का c2, ये आपको मिला i2। क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन था है ना, ये चीज है ना कि लेट हमने जो है ना i इज इक्वल टू मान लिया i1 प्लस, अरे यार देखो i से कंफ्यूज मत हो, i का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, ये ओवरऑल हमने मान लिया है i, क्या मान लिया भाई, i मान लिया, और इस i का मतलब इस पूरे को हमने मान लिया है i1 और इस पूरे को मिलाकर के हमने मान लिया है i2, ठीक है, तो i इक्वल टू हमने क्या कहा है i1, अच्छा यहाँ पे माइनस है कोई बात नहीं, तो i1 माइनस i2 हो गया, i1 माइनस i2, अब क्या कर दी जाए, वैल्यू रख दी जाए i1 की और वैल्यू रख दी जाए i2 की, देखो तो मिटा दे, इतनी चीजें मिटा देते हैं, मिटा दिया जाए, देखो मिटाते हैं, मिटाने में बहुत टाइम लग जाता है, चलो वीडियो पूरा का पूरा फिर कट करना पड़ता है, देखो मिटाते हैं इसे हम,
नहीं आप भी आज देख ही लो भाई, दिस इज द पार्ट ऑफ अवर लेक्चर, तो आपको भी देखना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, हमने I1 को जो है फिनिश कर दिया। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी सर। देखो यहाँ तक मिला दिया, यहाँ तक हमारा देखो काम बन जाएगा। तो हमें सर रखना है I1 - I2। ओके देखो क्या था मेरे पास, हमने कहा सर I = फाइनल हमें मिलेगा I1। देखो I1 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी थी, एक मिनट, मेरे पास था कितना sin 3। देखो कितना आया था, ये था हमारे पास, कहाँ गया भाई कहाँ गया, I1 को तो सर हमने मिटा दिया है। एक मिनट देखो, ये आया था ना मेरे पास माइनस, एक मिनट, 1/8। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 1/8 बताया बनाया था, और ये आया था फिर मेरे पास माइनस का sin 3x था ना, तो sin 3x का, एक मिनट यार गड़बड़ हो गया, मिटा दिया सर, क्यों मिटा दिया आपने, एक मिनट रुको 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 रुको। देखो ये था आपके पास माइनस का cos 4x/2, और ये था आपके पास माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये था आपके पास cos 2x, है ना। और यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 था हमने इसको बाहर ले लिया था, ये हमारी है वैल्यू किसकी, I1 की है। फिर हमें क्या रखना है, -I2। और देखो -I2 की देखो वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी, तो ये हमारे पास है माइनस का 1/8, तो माइनस का 1/8 है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 1/8, और ये आपके पास हो जाएगा cos 6x/3, है ना। और दोनों का हम कांस्टेंट, दैट इज इसका भी एक C1 आया होगा I1 का, और I2 का भी C2 आया होगा, तो दोनों को मिला करके C1 + C2, दैट इज हम कर देते हैं एक ओवरऑल कांस्टेंट हम C कर देते हैं। सो यहाँ से आप जो है ना 1/8 को आप जो है कॉमन ले लो, तो देखो कितना हो जाएगा 1/8, और देखो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा माइनस का cos 4x/2, माइनस का cos 2x, और प्लस का cos 6x/3। ये ओवरऑल आपका आंसर है, ठीक है, चेक कर लो आप, आ रही बात समझ में। तो ये जो है आपका इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ में आ रही बात। तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, देखो तीन फॉर्मूले चल रहे हैं साथ में, साइन एक आपका चल रहा है sin A × cos B का, ठीक है, एक आपका चल रहा है sin A × sin B का, एक आपका चला cos A × cos B का, है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और बड़े अच्छे तरीके से आपको मेरे ख्याल से याद भी हो गए होंगे, मैंने आपको तरीका भी ट्रिक भी बता दिया कि कैसे जो है कॉस को कैसे ट्रीट करना है, साइन को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो भाई चलो जल्दी से आप ये फटाक से ये मेरे को आप इसको करके बताओ कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन जल्दी से एकदम कर लिया है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कोई कंफ्यूजन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। कोई फॉर्मूला आपको नहीं देखना है, सिंपल sin A × sin B फॉर्मूला तुरंत याद करो, क्या मैंने बताया था sin A × sin B है तो cos आ जाएगा, और cos जो है वो sin को पहले माइनस में रहेगा, दैट मीन्स cos A − B, फिर -cos A + B, ये तो था 1/2 करके, है ना। चलो जल्दी करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, हाँ सर मैंने कर लिया, कर लिया, अच्छी बात है। देखो जिन बच्चों ने नहीं किया, जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं हम सर, आप सर ये कैसे कर रहे हो। देखो जिन बच्चों ने कर लिया वीडियो को जल्दी से स्किप कर लो। देखो हमारे पास बच्चे ये है ना, क्या है ये, तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लें, हम इसका जो है इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दैट मीन्स sin 4x × sin 8x, ठीक है, और dx, दैट मीन्स sin A और sin B है, ठीक है। तो एज वी नो साइन, यहाँ पे आपको एक बार फॉर्मूला बताना पड़ेगा, sin A × sin B = क्या होता है, 1/2, अरे यार देखो क्या होता है 1/2, और cos A − B, फिर -cos A + B, ये तो होता है, ठीक है। चलो रख देते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, cos A − B, A का मतलब 4, -B का मतलब 8x, फिर -cos A + B, A का मतलब 4x और +B का मतलब 8x, 8x, हाँ सर कुछ याद आ रहा है, 8x है नहीं, हाँ बढ़िया बढ़िया, dx, 8x बैन हो गया ना, पता नहीं क्या, मेरे को नहीं पता, जाने दो, आ जाओ वापस टॉपिक पर आओ। तो ये देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x - 8x, दैट मीन्स cos - 4x, और समझो क्या मिलेगा, cos - 4x, और माइनस का cos 4x + 8x, दैट इज cos 12x, और dx, ठीक है। सो अलग अलग कर लिया, अच्छा cos - θ, दैट इज cos θ, 1/2, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, क्या हो जाएगा, 1/2, देखो cos 4x, cos 4x का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2
ए दैट इज 1/4 ए एक्स है ना, 1/ ए, और कॉस का क्या होता है साइन, साइन 4x, ठीक है, माइनस कॉस 12 का कर सकते हैं क्या 1/12, और कॉस 12 कॉस का इंटीग्रेशन साइन दैट इज साइन 12x, ठीक है, और प्लस का सी हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म कहानी। आगे समय तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया। चलो बच्चे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।